अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो है ना मैं आपको स्मार्ट टीवी की जो है ना सेटिंग करना है जो है ना बताऊँगा, जो कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग का जो प्रॉब्लम आता रहता है वो केबल के थ्रू जो है ना अक्सर बन जाता है। तो जो है ना इसमें जो है ना वाईफाई का ऑप्शन भी होता है, तो वो जो है ना अभी इसको जो है ना मैं वाईफाई का जो पासवर्ड है वो पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर साथ साथ मैं आपको बताता चाहता हूँ। और आप जो ना अपने फॉल्ट के हिसाब से जो ना सेटिंग कर सकते हैं। चलें आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एरर के बाद का जो ना इस तरह का भी एरर आपका स्क्रीन पे आएगा, और OP0104 इस टाइप के भी एरर आते हैं। तो अभी चलते हैं मेन्यू की तरफ। जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा होगा पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे 8288 8288, इसका जो है पासवर्ड है, जो डिफॉल्ट जो पासवर्ड है वो उसका डिवाइस का। ओके, अक्सर जो है यही होता है, बाकी आप अपनी डिवाइस के हिसाब से जो भी पासवर्ड है वो आप जो है टाइप करके इसको इंटर करेंगे तो जो है ऐसे मेन्यू आ जाएगा। इसके बाद जो है वाईफाई का जो आपका जो भी कनेक्शन है उसका यूज़र नेम जो भी है उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आप जो है ना वाईफाई के ऑप्शन में आके यहाँ पे आप इंटर करेंगे। अगर जैसे पुराना पहले से दिया हुआ है और वो काम नहीं कर रहा है तो उस पर जाके फॉरगेट कर देंगे हम लोग, तो इसका पुराने वाला जो है ना ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा से इसको इंटर करेंगे, अभी देखेंगे पुराना वाला ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अभी दोबारा से इसको इंटर करेंगे, इंटर करके दोबारा से हम जो है ना फिर इसका जो है ना पासवर्ड, अभी देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो भी आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे जो है ना हम लोग पासवर्ड टाइप करेंगे। टाइप करके जैसे आप ये मेन्यू आपका आ जाएगा, आप इसको इंटर करेंगे, सेंटर वाला जो बटन है प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये कीबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। आप दूसरे वैसे USB कीबोर्ड वगैरह भी इसके साथ लगा सकते हैं, उससे भी टाइप कर सकते हैं, जैसे आप इजी हो आप उसे तरीके से कर सकते हो। तो जो है ना इसके साथ जो है ना आप जैसे भी जो भी लगाना चाहें तो आपका जो है ना ऐसे सेम जो है ना आप पासवर्ड वगैरह अपना टाइप करें, जो वाईफाई का आपका पासवर्ड चल रहा है। चले आए चलते हैं, हम लोग भी टाइप करते हैं, पासवर्ड टाइप करेंगे, ठीक है। अगर आपकी डिवाइस का जो है ना यहाँ पे चैनल वगैरह अगर पहले से सेट हुए हुए हैं तो ठीक है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ आपका जो वाईफाई है या आपका स्मार्ट टीवी नहीं चल रहा है तब जो है ना आपको जो है ना सिर्फ ये वाईफाई जो है ना आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो वाईफाई जो पासवर्ड है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद इसको तो ये देखिए यहाँ पे टाइप हो चुका है, ठीक है ना। तो इसको फिर जो ना हम इंटर करेंगे, पासवर्ड जो ना इधर नीचे जो बॉक्स है इसमें जो ना आप जो ना चेक भी कर सकते हैं अगर आपका सेम, और इसको जो है अगर पासवर्ड जो है ना ओके नहीं हो रहा है तो आप जो है इधर इसका जो है ना देखिए कीबोर्ड जो है ना आप दूसरा भी लगा सकते हैं, इसकी वजह से स्क्रीन पे भी आ जाता है। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका जो है ना स्क्रीन पे और जो है ना कीबोर्ड भी आ जाएगा। और ये देखें इंटर करके भी आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका रिमोट के ऊपर ही एक बटन होता है बैक जैसे करेंगे ना तो वो जो ना आपका ये देखिए अभी लोडिंग हो रहा है, ये अभी पासवर्ड इसमें सेव हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, ये देखिए ये सेव पासवर्ड दिखा रहा है, ये हमारा सेव पासवर्ड हो चुका है। तो इसका जो ना जब आप बैक करेंगे, बैक बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे रिमोट के ऊपर बटन है
ये जो है ना इसका बैक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अभी क्लोज करके आपको जरा देखना बैक का बटन, ये देखिए थोड़ा सा ज़रा और क्लोज करके, ये देखिए मेन्यू है ऊपर और नीचे बैक लिखा हुआ है। तो बैक जैसे आप प्रेस करेंगे आपका बैक पे आ जाएगा और फिर प्रोग्राम जो है ना लोडिंग शुरू कर देगा। तो अब ये प्रोग्राम लोड हो रहा है, अभी देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद हो सकता है 2-3 सेकेंड 4 सेकेंड लगे लोडिंग में। अगर स्पीड स्लो होगी तो फिर शायद हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी लग जाए, तो वो लोड करेगा 5-6 सेकेंड 7 सेकेंड या 10 सेकेंड तक ऐसे लोडिंग में लगेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ना लोड हो रहा है, ये वाईफाई से जो है ना अभी कनेक्ट है, ये देखिए अभी हमारा प्रोग्राम दोबारा से ऑफ कर किया। अगर ज़्यादा प्रोग्राम प्रॉब्लम कर रहा है, लोड नहीं हो रहा है, और बाद ऐसा हो भी सकता है जैसे अभी यहाँ पे ये स्क्रीन दिखा रहा है, तो ये इसको जो है वाईफाई का सिग्नल नहीं मिला है, तो इस वजह से दोबारा से ऑन करके दोबारा से पासवर्ड टाइप करते हैं। बाद का ऐसा भी होता है कि कंफिगर नहीं उठा रहा था, अभी देखेंगे यहाँ पे ऊपर शो कर रहे हैं ये कनेक्टेड है, वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो अभी इसको जो है हम दोबारा से जो है ना रिमोट के बटन से इसको बैक करेंगे। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट से बाहर आ जाएगा, ये देखेंगे ऑन हो गया है, तो ये जो है चैनल स्टार्ट हो चुके हैं। तो जवाब में